नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे में मैं जयप्रकाश पांडे आज एक दिन और एक किताब में एक ऐसे कहानी संकलन के साथ उपस्थित हूँ जिसे साहित्य अकादमी ने 2017 में पुरस्कृत किया था। ओडिया का यह कहानी संग्रह ईटा भाटीर शिल्पी नाम से ओडिया में छपा था और इसकी लेखिका हैं गायत्री सराफ। हिंदी में इसका अनुवाद सुजाता सीवेन ने किया है। सुजाता सीवेन हिंदी की और ओडिया की चर्चित अनुवादक हैं। लगभग 2 दर्जन पुस्तकों का अनुवाद उन्होंने अब तक किया है। यह पुस्तक 12 कहानियों का एक संकलन है। कहानियाँ जिनमें ओडिशा, पश्चिम ओडिशा का जनजीवन बखूबी दिखाई देता है। ये कहानियाँ उस दौर की कहानियाँ हैं जिनमें मजदूर, कामगार तबका, मेहनतकश तबका, जमींदार, मध्यम वर्गीय समाज, पारिवारिक रिश्ते और आर्थिक रूप से दमित, शोषित, प्रताड़ित वह वर्ग शामिल है जिसकी इच्छा केवल एक अच्छा जीवन जीने की है। 12 कहानियों के इस संकलन का नाम ईंट भट्टी का शिल्पी है, यानी वह मजदूर जो ईंट के भट्टे पे काम करता है। ईंट भट्टे हम सब ने देखा होगा, उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत देश के हर स्थान पे ईंटों का भट्टा मिलता है और वहाँ काम करने वाले मजदूरों की लगभग एक सी स्थिति होती है। माटी का वो ईंट बनाते हैं, वो ईंट आग के कुंड में उनको रखा जाता है और उसके बाद उनसे जो ईंट बनता है उसी से भवन, मजबूत से मजबूत भवन की नींव बनती है। ऐसा समाज, इस शीर्षक को रखने के पीछे गायत्री सराफ की सोच यह थी कि वे उस समाज की बात करना चाहती थी जिस समाज को न्याय की सबसे ज़रूरत है, या जो समाज किसी भी देश के भवन निर्माण में, किसी भी गांव के भवन निर्माण में, किसी भी शहर के भवन निर्माण में, और भवन निर्माण से उनका आशय यह है कि जो तबका समाज को निर्मित करता है उसकी बात हो, चाहे वह लड़की हो, किशोर वय के लड़के हो, कामगार सड़हर के मजदूर हों, चाहे वह देहाती मजदूर और कृषक मजदूर हों। मनुष्य की जो अमानवीयता है उस पर जो कामगार तबके, श्रमिक वर्ग का संघर्ष है, उसकी जीत को वह अपनी कहानियों में उठाती हैं। दादन लहर यह एक कहानी से शुरू करती हैं और आखिरी कहानी है रोशनी लेकर आई मेरी कहानी रोशनाई अधेरा। दादन लहर में उन्होंने यह बात, इस बात का जिक्र किया है कि लिखित शब्दों से कोई भी सरकार किस तरह से डरती है। दादन नाम का एक उपन्यास छपा, उससे पूरे इलाके में, एक राज्य के पूरे इलाके में हलचल मच गई। और दादन का अर्थ होता है प्रवासी मजदूर। टेलीविज़न उस पर खबरें दिखाने लगे, खबरों के बाद विधानसभा में उसकी चर्चा होने लगी। अनाहार और कुपोषण की बात हुई, मजदूरों के साथ शोषण की बात हुई, यही उस उपन्यास का विषय था। इसके बाद तुरंत उस पर कैबिनेट की कमेटी बुलाई गई, एक मंत्री, युवा मंत्री, तेज तर्रार मंत्री को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि तुम किसी भी तरह से इस मामले को शांत करो। शांत कराने का सबसे अच्छा तरीका उस मंत्री ने यह निकाला कि उसने मीडिया के लोगों को बुलाया, उन्हें एक अच्छी पार्टी की, उसी के साथ उसने एक बड़ी रैली की। उस रैली में उन्होंने तमाम तरह की घोषणाओं और कमेटियों की बात की और यह कहा, कुछ मजदूरों को, जो श्रमिक मजदूर थे, उनको मंच पर बुलाया और उनको कहा कि हमारा, तुम्हारा दुख हमारा दुख है। और इसी के साथ उन्होंने वो सभा को ख़त्म कर दिया और इसके साथ वह आंदोलन भी समाप्त हो गया। इसी तरह से जो इस उपन्यास का शीर्षक है उसमें एक ऐसे परिवार की कहानी है, ईंट भट्टी का शिल्पी, जो मजदूरी, अपने अच्छे कल की तलाश में गांव आए एक मजदूर के साथ दक्षिण भारत के एक इलाके की
ईंट की भट्टी पर जाकर फंस जाता है और वहाँ बंधुआ मजदूरों की सी स्थिति में हो जाता है। वहाँ उसके छोटे खेलते बच्चों के साथ जो ईंट भट्टे के मालिक और लोकल बच्चों के जो मजदूर हैं वह शोषण करते हैं, उसकी मार पिटाई करते हैं, यहाँ तक कि इस मजदूर परिवार को पति पत्नी दोनों को काम करने के बावजूद केवल जीवन यापन का पैसा मिलता है और किस तरह से वह संघर्ष करते हुए दुख में जीवन व्यतीत करते हुए उससे मुक्ति पाने की कोशिश करता है। और जब गांव में आता है तो वहां भी अपने भी गांव में वह पहचान की तलाश में, रिहैबिलेशन पुनर्वास की तलाश में फंस जाता है। इस कहानी संकलन में मानवीय संवेदना, मानव दर्द की जो पीड़ा है, संभवतः इसी के चलते इसे साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। इस संकलन को साहित्य अकादमी ने ही प्रकाशित किया है और 152 पृष्ठों के इस उपन्यास का मूल्य ₹150 है। अगर आप अच्छी कहानियों में विश्वास रखते हैं, अच्छे साहित्य में आपकी रुचि है, तो आपको ओडिया साहित्य को हिंदी में जो भी उपलब्ध है उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए और इन कहानियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, खासकर हिंदी तबके के लोगों को, कि पुराने विषयों को भी नए ढंग से किस तरह से लिखा जा सकता है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप इस कार्यक्रम में किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर लिखें। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। कल ऐसी ही किसी और पुस्तक के साथ मैं इसी जगह फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।